दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मेरा एक और निवेदन है कि आपको नहाना है तो साबुन विदेशी मत लाओ, लक्स लाइफ बॉय लेलर रेक्सोना पियर। एक साबुन है विदेशी डव, 40 रुपए का 100 ग्राम, 400 रुपए किलो। हम रगड़ते हैं और नाली में बहा देते हैं उसको, 400 रुपए किलो। अब मैं कई लोगों से कहता हूं डब से क्यों नहाते हो, तो लोग कहते हैं ये दूध का बनाया हुआ साबुन है। अरे मूर्ख लोगों, दूध से ही नहा लो, दूध के साबुन से क्यों नहा रहे हो। अपने देश में किसी भी बड़े बुजुर्ग के हम पांव छुए हैं तो क्या कहते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो इतनी तो सुनो बुजुर्गों की, दूध से नहाओ। कभी किसी बुजुर्ग ने यह कहा लक्स लगाओ पूतो फलो, लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो? सब कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, तो दूध से नहाओ। आपको मालूम है महाशिवरात्रि में शंकर भगवान को किससे नहलाते हैं, दूध से कि लक्स से? अब शंकर जी दूध से नहाते हैं तो भक्त लोग क्यों नहीं नहा सकते? आप नहाओ दूध से। दूध से नहाने का फायदा बहुत है। पहला कि दूध की बिक्री बढ़ेगी, पैसा किसानों को मिलेगा। दूसरा फायदा, दूध से नहाओ तो गंदगी निकल जाती है सारी। दूध जो है ना बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट है। जितने बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स हैं ना, वहां सब जगह मिल्क क्लिंजिंग होता है और वो 500 रुपए में करते हैं, मैं फोकट में बता रहा हूं आप। और दूध से नहाने के लिए 2 चम्मच दूध ले लो, गरम नहीं करना, कच्चा दूध, शरीर पे रगड़ लो, मालिश कर लो, पानी से नहा लो, सारा मैल और गंदगी निकल जाता है। चने के आटे से नहा लो, बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से नहा लो, मुल्तानी मिट्टी से बाल भी धो लो। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।